नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रधर्म। मैं हूं आपके साथ संदीप तिवारी। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के ऐलान के बाद से चुनावी सरगर्मियों के साथ ही जुबानी हमले भी तेज हो गए हैं। जहां एक दिन पहले प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार पर निशाना साधा और कई चुनावी घोषणाएं की, तो वहीं आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रेस वार्ता के दौरान प्रियंका गांधी के वादों को लेकर उन पर निशाना साधा। लेकिन ये जुबानी हमलों का सिलसिला यहीं पर नहीं रुका। इसके बाद कांग्रेस सांसद रंजीत रंजन ने मध्य प्रदेश के सीएम पर पलटवार करते हुए कहा कि शिवराज सिंह चौहान प्रदेश में क्या विकास किया है, या तो उसकी बातें करेंगे या फिर कांग्रेस की आलोचना करेंगे। वो कांग्रेस से घबराए हुए हैं। उन्होंने यहां दावा करते हुए कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस मध्य प्रदेश में बहुमत से सरकार बनाएगी। तो आपको बता दें कि जब से चुनाव आयोग ने 5 राज्यों के चुनाव की तारीख की घोषणा की है, तब से लगातार देखा जाए सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों के साथ साथ जुबानी हमले में भी जुट गई हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान तक सभी ऐसे वो बड़े नेता हैं जो एक दूसरे पर जुबानी जंग छेड़े हुए हैं। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में जो हालात बने हुए हैं उसको लेकर लगातार कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर है। बीजेपी का कहना है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी को खतरा दिख रहा है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान काफ़ी अस्वस्थ नजर आए और उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसा कुछ नहीं, हम साथ हैं और पार्टी में कोई भी दिक्कत नहीं। लेकिन लगातार बात करें कांग्रेस की तो अभी भी हमलावर है। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपनी साख बचाने के लिए वो हारी हुई सभी सीटों पर मंथन कर रही है कि जहाँ पर बीजेपी की अभी तक एक भी सीट नहीं आई थी वहाँ पर कैसे अपनी सीटें बीजेपी जीतेगी, इस पर लगातार बीजेपी की तरफ से मंथन किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस भी काफी मुश्किलों में फंसती नजर आ रही है। आपको बता दें कि कांग्रेस में टिकटों को लेकर अब सक्रियता बढ़नी शुरू हो गई है। जयपुर कांग्रेस वार रूम में आज प्रदेश चुनाव समिति की बैठक भी हुई थी। आपको बता दें कि प्रदेश चुनाव समिति की बैठक में जिलों से आए हुए पैनल को फाइनल करके स्क्रीनिंग कमेटी को देने का फैसला लिया गया है। अब टिकटों की पूरी एक्सरसाइज स्क्रीनिंग कमेटी करेगी। शनिवार को दिल्ली में गौरव गोगोई की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होगी। आपको यह भी बता दें कि आज की बैठक के बाद अब कांग्रेस में टिकटों के लिए सारी एक्सरसाइज दिल्ली शिफ्ट हो गई है। स्क्रीनिंग कमेटी की लगातार बैठकें चलेंगी। इसके बाद अगले सप्ताह में कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति यानी कि CEC की बैठक होनी है। इसके बाद उम्मीदवारों की पहली सूची जारी हो जाएगी। कांग्रेस में करीब आधी सीटों पर सिटिंग गेटिंग फार्मूले से मौजूदा विधायकों और पिछले उम्मीदवारों को ही टिकट देने की संभावनाएं बनती दिख रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि कांग्रेस में महीने भर से टिकटों पर एक्सरसाइज चल रही है। जिलों से पहले ही पैनल मंगवा लिए गए थे। 4 से 5 दौर के सर्वे रिपोर्ट और जिलों से मंगवाए गए पैनल पर अलग अलग स्तर पर काम चल रहा था। बड़े बड़े नेताओं से भी नाम मांगे गए थे, जिलों से भी पैनल आया था। स्क्रीनिंग कमेटी अध्यक्ष और मेंबर्स ने सर्वे रिपोर्ट नेताओं से मिले पैनल के आधार पर कई सीटों पर जमीनी हालात को क्रॉस चेक भी करवाया था। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भले कल होगी लेकिन उसका काम काफ़ी दिनों से जारी है। प्रदेश चुनाव समिति के नेता पहले ही नामों पर चर्चा भी कर चुके हैं। तो आपको बता दें कि राजस्थान में जो सीटों के बंटवारे को लेकर जो चर्चा चल रही थी उस पर कहीं ना कहीं अब रोक धीरे धीरे लगती दिख रही है। जिस प्रकार से बैठक के बाद ये फाइनल हो जाएगा कि किस किस को टिकट देना है और कौन उम्मीदवार कांग्रेस का होगा। देखिए, जैसे किसान को कर्ज माफ करने का काम हमने शुरू किया था उसको हम फिर से शुरू करेंगे। तो किसानों का कर्ज माफ करेंगे। 100 रुपए में जैसे 100 यूनिट बिजली आपको पहले दिलवाई थी वो फिर से दिलवाएंगे। 200 यूनिट की बिजली हाफ की जाएगी, बिल हाफ की जाएगी, मतलब उसकी बिल आधी आएगी। पुराना पेंशन लागू होगा। जितने भी अधिकारी हैं, सरकारी जो रोजगार होता है उसका महत्व यही होता है कि जब वो रोजगार मिलता है, वो नौकरी मिलती है तो हमें लगता है कि चलो ठीक है, रिटायर होने के बाद भी कुछ आते रहेगा, हम सही सलामत सुरक्षित रहेंगे। आज वो भी छीना गया है आपसे।
तो जहां जहां कांग्रेस सरकार में है अभी भी ओपीएस लागू है और हम चाहते हैं कि प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी लागू होगा। गैस के सिलेंडर के लिए जैसे हमने पहले कहा आपको 500 रुपए में आपको सिलेंडर मिलेगा, महिलाओं को 1500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, आपके खातों में आएगा बहने। 5 हॉर्स पावर की सिंचाई की बिजली किसानों को मुफ्त मिलेगी। ओबीसी का आरक्षण 27% तक रहेगा और जाति जनगणना जिसकी बात मैंने की, वो गिनती जिससे आपको आगे जाकर न्याय मिल पाए, वो हम मध्य प्रदेश में करेंगे। जहां भी 50% से अधिक आदिवासी आबादी है वहां छठी अनुसूची डाली जाएगी। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से के खाली पड़े बैकलॉग पदों पर तत्काल उनको भरा जाएगा जो पहले से खाली पड़े हैं। पीएम आवास योजना में जो शहर और देहात में आपको अलग अलग धनराशि मिलती है, तो शहर में आपको अगर घर बनाना हो या कुछ बनाना हो वहां अलग धनराशि, गांव में आपको कम मिलती है, लेकिन सीमेंट सरिया बालू का दाम तो गांव में भी उतना होता है, बल्कि गांव में जब आपको ढुलाई करवाना पड़ता है, करवानी पड़ती है, तो आपको दूर जाना पड़ता है, तो एक तरह से आपको और भी दिक्कत होती है। तो हमने तय किया है कि जो पीएम आवास योजना में जितना शहर में मिलता है उतना ही आपको गांव में धनराशि मिलेगी। देखिए आपने पिछले चुनाव में, अच्छा एक और घोषणा है जो अभी अभी बताई गई मुझे, इसमें बच्चों की जो शिक्षा है पहली कक्षा से लेकर 12वीं तक स्कूल की शिक्षा निशुल्क होगी। इस योजना का नाम रखा है पढ़ो और पढ़ाओ योजना, तो ये भी एक और घोषणा है। कल जिस तरह से प्रियंका जी से घोषणाएं करवाई गई, मैंने वो वीडियो देखा है, कई घोषणाएं करके बैठ गई, बोले एक और करो। अच्छा पता नहीं बोलने के पहले उन्हें पढ़ा कि नहीं पढ़ा। और मैडम बोलती है कि अभी अभी एक और घोषणा मुझे बताई गई, बताई है कक्षा 1 से 12वीं तक बच्चों की स्कूल की शिक्षा निःशुल्क होगी। और फिर भाषण शुरू हो गया, फिर कमलनाथ जी फिर टोक रहे हैं प्रियंका जी को और करेक्शन करा रहे हैं, तो प्रियंका जी कहती आप ही बोलिए, वो कहते नहीं नहीं, अरे नहीं आप ही बोलिए। और फिर वो दोबारा पढ़ती हैं, 1 से 8वीं तक 500 देंगे, 9वीं से 10 तक 1000 देंगे, 10 से 12 तक 1500 हर साल देंगे। फिर सुरजेवाला जाते हैं, हर साल नहीं हर महीना। फिर मैडम कहती कि लिखा तो इसमें हर साल है। अब आप कल्पना कर सकते हैं, पहले कुछ लिखते वो पढ़ने का कहते, कितने गंभीर हैं वो कि इससे काम नहीं चलेगा, हर साल तो हर महीने भी आ जाओ, ना लेना है देना है अपने बाप का क्या जाता है, हर महीना बोलो। मित्रों वोट के लिए इस तरह से झूठ बुलवाना, अच्छा पहले भी राहुल बाबा से कहलवा दिया कि 10 दिन में कर्जा माफ, नहीं तो 11वें दिन मुख्यमंत्री बदल देंगे। और बेचारे राहुल तो क्या कहेंगे, देखना उतनी करना, लेकिन जबरदस्ती करवा रहे पढ़ दो पढ़ दो पढ़ दो, लेना देना थोड़ी है। ये कांग्रेस की कंफ्यूज करो और वोट लो। लेकिन मित्रों इनका पुराना घोषणा पत्र देख लें,
वचन पत्र, वचन तो कई थे लेकिन इन्होंने कहा था साले स्तर के बच्चों को गणवेश, पाठ्यपुस्तक, अन्य पठन की उच्च कोटि की सामग्री निःशुल्क उपलब्ध कराएंगे, ये कह के मामा जो लैपटॉप दे रहा था वो लैपटॉप देना बंद कर दिया, साइकिलें बंद कर दी, मेधावी विद्यार्थी योजना ठंडे बस्ते में डाल दी इनने, अरे बच्चों की फीस तक छीन ली, फीस तक नहीं भरवाई। अब कह रहे हैं निशुल्क घर देंगे, प्रधानमंत्री जी ने जो घर भेजे वो घर लिए नहीं गरीबों के लिए, ले जाओ वापस। देखिए मामा जी अभी क्या हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, तो शिवराज सिंह चौहान साहब अपने प्रदेश में उन्होंने डेवलपमेंट क्या किया है उसकी बातें करेंगे या कांग्रेस को क्रिटिसाइज करेंगे? आपके प्रश्न में ही आंसर है, वो कांग्रेस से घबराए हुए हैं और आने वाले चुनाव में कांग्रेस बहुत बढ़िया बहुमत से वहाँ पे सरकार बनाने जा रही है। 2014 से चाहे प्रदेशों में भाजपा के मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे प्रधानमंत्री मोदी साहब हो, सिर्फ और सिर्फ सिवाय कांग्रेस को क्रिटिसाइज करने के वो ये नहीं बताते हैं कि 15 लाख रुपए आम आदमी के पॉकेट में आए कि नहीं। उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है, क्या उनके बारे में चर्चा हुई? उन्होंने एक चाय पे चर्चा पे ये कह रहे हैं कि मैं आऊँगा तो इतना इतना पैसा स्विस बैंक में है। सबसे पहले जो टैक्स को पे करते हैं, टैक्स पे ही लोग हैं, उनको मैं 5 से 10% दूंगा, क्या इसकी बात मामा मध्य प्रदेश में बताएंगे? क्या गैस सिलेंडर इतनी महंगा है उसकी बात बताएंगे? महंगाई की बात करेंगे, बेरोजगारी की बात करेंगे? तो ये उनकी घबराहट है जो निकल कर आ रही है और मध्य प्रदेश का आवाम अच्छी तरह से समझ चुका है और इस चुनाव में उनको रिजल्ट के माध्यम से मध्य प्रदेश ही नहीं, बगल में छत्तीसगढ़ है वहाँ भी मालूम चलेगा और राजस्थान भी मालूम चलेगा, तेलंगाना भी मालूम चलेगा। राजकुमार वेरका ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस, वो कह रहे हैं कि बीजेपी करती थी सबका साथ सबका विकास, लेकिन वैसा देखिए फिर आप ही आंसर दे रहे हैं कि मोदी साहब नहीं, आप ये मत बोलिए कि सबका साथ सबका विकास, सबका साथ और कुछ लोगों का विकास, और वो कुछ लोगों में जिनके पैसे स्विस बैंक में थे, जो 5.5 लाख करोड़ रुपए एनपीए जिस कैपिटलिस्ट के माफ हुए, उनके साथ हमारे प्रधानमंत्री खड़े हुए हैं। यही वो प्रधानमंत्री हैं जो एमएसपी को डबल करना चाह रहे थे किसान का, लेकिन आज हर चीज। और इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं। वीरेंद्र मिश्रा सौरभ जी हैं बीजेपी से, साथ ही विजय डोगरा जी हैं कांग्रेस से, साथ ही आनंद त्रिपाठी जी हैं राजनीति विशेषक हैं। तीनों मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले वीरेंद्र जी आप ही के पास आएंगे। कांग्रेस नेता रंजीत रंजन साफ साफ कह रहे हैं कि बीजेपी बिल्कुल डरी हुई है, मध्य प्रदेश में तो सरकार भी बन ही जाएगी और बाकी जो राज्य हैं वहां भी कांग्रेस बिल्कुल अस्वस्थ है और सरकार बनाएगी वहां पर। ये रंजीत रंजन जी के अपने विचार हैं, उनके सपने हैं और उनकी अपनी योजनाएं हैं, पंडित क्या करते हैं जी। लेकिन वो आम जनता है, वोटर है जी। वो भी भारतीय जनता पार्टी जी और कांग्रेस में तुलनात्मक विचार विमर्श के मन में हो रहा था। ये इन्होंने पिछली बार इनकी जब सरकार बनी थी वैचारिक विचारधाराओं से हटकर इन्होंने क्या किया, उन 2 वर्षों में 18 महीनों में इनका क्या हुआ, योजनाएं कितनी जमीन पर उतरी, ये आम जनता जानती है। और उस जनता को ये कितने लोक लुभावन। लेकिन मिश्रा जी, हम मिश्रा जी थोड़ा सा रोकेंगे आपको। आप कह रहे हैं कि वो उनका अपना मत है, कुछ भी बोले, लेकिन अगर उनका अपना मत है तो प्रियंका गांधी ने जो चुनावी घोषणा की उसके बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रेस वार्ता क्यों करनी पड़ी? नहीं आते प्रेस वार्ता करते, क्या मतलब था? नहीं, प्रेस वार्ता इसलिए करनी पड़ी कि इन्होंने पिछली बार कहा था कि मैं निशुल्क पाठ पुस्तक, हमारी लैपटॉप और हमारे हम साइकिल बच्चों को दे रहे थे, उनके पठन पाठन का इंतजाम कर रहे थे, उसको इन्होंने नहीं पूरा किया। तो हम ये आम जनता से बताना चाहते हैं, उसको याद दिलाना चाहते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं,
हम जमीन धरातल पर उतार कर समाज के लिए, आम जनता के लिए, महिला के लिए, युवा के लिए, बुजुर्ग के लिए, अब डेवलपमेंट को सड़क हो, रास्ते हो, तालाब हो, पोखरे हो, और जहां तक इनकी योजना गैस, आप गैस सिलेंडर 500 रुपए में कर देंगे, ऐसे ओपीएस लागू सिस्टम होगा, और हम क्या क्या 1500 रुपए देंगे 50% आदिवासी का, माने उनकी सारी योजनाओं को वो ऑलरेडी आम जनता वहां के समझ रही है कि चुनाव के पीरियड में कमलनाथ जी बहुत सीनियर मंत्री होने के नाते उन बहुत सील हैं, वो ये वादा कुंवर से न करवा के मन्या प्रियंका जी से इन्होंने घोषणा तो करवा दिया, लेकिन उस योजना को लागू कैसे होंगे, जब इनकी विचारधाराओं को देखते हुए मध्य प्रदेश की जनता ने जान लिया है, समझ लिया है। छत्तीसगढ़ में इनका राज था, छत्तीसगढ़ में इन्होंने सारे कैसे किए, वहां पे बघेल जी और डिप्टी सीएम के भी अनबन लेकर, नेतृत्व लेकर, राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी का क्या है नेतृत्व, किसके नाम पर राजस्थान में वोट लड़के उनको मुखिया बना के लाते हैं, और युवा नेतृत्व का वहां पे मान मर्दन कर दिया जाता है, उसे इवाइट कर दिया जाता है अपने ढंग के, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को ठुकरा देना, फिर अपने बॉस की बात ना मानना, माननीय अध्यक्ष जी की बात ना मानना, और ये सत्ता के लिए किस हद तक जा सकते हैं। लाल डायरी इनके इनके ही विधायक आके कहते हैं, इन्होंने सत्ता नेतृत्व तो बनाया, इनके ही मेम्बरान, इनके ही विधायक इनसे बगावत कर। चलिए आएंगे मिश्रा जी, डोगरा जी। जी जवाब दे दीजिए, बता रहे हैं कि सत्ता के लालच में सत्ता को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले तो नमस्कार जी। नमस्कार, और तंत्र पाठी जी को, वीरेन जी को बहुत बहुत बात। और एक बात ये करना चाहता हूं कि अब ये जो चर्चाएं हैं या जो हम कह रहे हैं जी, वो तो साक्षर हम कह ही रहे हैं जी, और उसको अमली जामा भी हम ही पहनाते हैं, इसमें कोई शक नहीं। कांग्रेस जो कहती है वो करके दिखाती है, लेकिन ये अभी साइकिलों की बात कर रहे थे कि जब कमलनाथ जी की सरकार आई तो साइकिलें बढ़ने शुरू हुई, फिर इन्होंने साइकिलें नहीं बांटी। कमलनाथ जी सरकार को तो जिस तरह से इन्होंने डिस्टेबल किया कि भारतीय जनता पार्टी भूलिए कि किस तरह से खरीदो फरोखत करके एमएलए को, शिवराज सिंह चौहान जो सबसे बड़े एक भ्रष्ट मुख्यमंत्री रूप के रूप में जाने जाते हैं, उनको फिर से दोबारा गद्दी पे बिठा दिया। ये क्या लोगों के सपने पूरे करेंगे, मुझे तो समझ नहीं आता। लेकिन एक बात ये पक्की है कि जो आदमी अब प्रियंका गांधी जी ने क्या कहा वो तो समझ आ गया, क्योंकि उन्होंने हमारा जो मैनिफेस्टो है वही हमारा घोषणा पत्र सरकारी दस्तावेज। अभी मिश्रा जी बात कर रहे थे कि हम ओपीएस ओपीएस देने का मादा अगर किसी में है तो कांग्रेस में है, और वो करके दिखाया हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने, अब कर्नाटका में होने जा रहा है, और हम मध्य प्रदेश में, तेलंगाना में और मिजोरम में भी शुरू करेंगे। ये मादा सिर्फ कांग्रेस के अंदर है, लेकिन ये एक लाल डायरी की बात कर रहे थे जी। सचिन पायलट और गहलोत के अंदर जो एक जुगलबंदी है, इनको ये समझ ही नहीं आ रहा। सरकार हम लोग तीनों जगह, हम राजस्थान और छत्तीसगढ़ हम रिपीट करने जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में हम थम्पिंग मेजोरिटी के साथ कांग्रेस जीतेगी, और तेलंगाना और मिजोरम में भी हम लोग इस बार सरकार बनाएंगे, के लोगों ने मन बना लिया है। अब ये जो झूठे जुमलों वाली जो सरकारें हैं या जुमलों से जो बातें चलती हैं, लोग ये तो पूछते ही हैं, हमारे से भी पूछते हैं कि हम अगर कोई बात करेंगे, हम अगर घोषणा पत्र में अगर कोई बात कहेंगे और उस घोषणा पत्र को हम लोग सरकारी दस्तावेज बनाते जब हमारी सरकार आती है, तो लोगों के प्रति हम भी जवाब दें। लेकिन क्या पिछले 10 वर्षों से देश के माननीय प्रधानमंत्री जवाब देनी है, जिन्होंने 15 लाख रुपए का चूना लगाकर आज लोगों को जिस तरह से ठगा है, क्या वो देश के लोगों के साथ कुठाराघात नहीं है? ये बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों से अगर प्रश्न पूछेंगे तो ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से लोग जलते हैं, और पिछले 10 सालों में कांग्रेस को कोसने के अलावा दूसरा काम भी क्या किया?
अगर राहुल जी कोई प्रेस वार्ता करते तो कहते किस पद के सहारे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अगर प्रियंका गांधी कुछ कहती हैं तो वो घोषणा कैसे कर सकती है? ये कौन सा सवाल है? हम लोग राजनीतिक लोग हैं, जो पद पे आसीन है। श्रीमती प्रियंका गांधी महासचिव है संगठन की, राहुल गांधी जी पूर्व अध्यक्ष हैं इस अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के, क्या उनको राइट नहीं है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का? इस तरह का अल्फाज लाएंगे भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा के। और जो जिस तरह से आज मैं सुन रहा था आदरणीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें ये झलक रहा था कि अब उनको ये समझ आ गया कि ये जनाधार खिसक चुका है, अब झूठे बातें अब लोग सुनेंगे नहीं। और पिछले जब से इन्होंने सरकार, कांग्रेस की सरकार तोड़ के अपनी सरकार बनाई, इन्होंने लोगों को दिया क्या? श्री डोगरा जी आएंगे हमारे साथ, डोगरा जी आएंगे भी, आनंद त्रिपाठी जुड़े हैं। त्रिपाठी जी, आपसे समझेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए कि मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर लगातार कांग्रेस की तरफ से हमला बोला जाता है, तो क्या इस समय चुनाव से पहले कहीं ना कहीं देखा, क्योंकि हमने सीएम शिवराज सिंह चौहान को भी सुना था एक बयान में, उनको एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, उसमें कह रहे थे क्या मैं सीएम बन सकता हूं कि नहीं, इस प्रकार के बयान दे रहे थे, इसको लेकर लगातार कांग्रेस हमलावर हो गई थी। क्या मध्य प्रदेश में सीएम शिवराज सिंह चौहान के वर्चस्व में कोई कमी आई है? आपसे समझने का प्रयास करेंगे। उसको समझने की जरूरत है, फिर इस सवाल का उत्तर मिल सकता है। पहला तो ये कि शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के सबसे ज्यादा पॉपुलर नेता है, इससे कोई संदेह नहीं। दूसरा ये कि भाजपा केंद्रीय नेतृत्व को शिवराज सिंह पर भरोसा नहीं है। ये दो बड़े कंट्राडिक्टी चीजें हैं जो भाजपा के कैंपेन को थोड़ा सा धीमा कर रही है। आज से करीब 4-5 महीने पहले कांग्रेस ने वो भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, 40% की सरकार जो कर्नाटक में उन्होंने कहा था उसकी शुरुआत की थी, लेकिन वो जो कैंपेन था वो डिरेल हो गया कांग्रेस का। अब इस पिछले 3-4 महीनों में भाजपा, खासकर शिवराज सिंह चौहान, वहां बड़े उन्होंने जमीन पर लोगों से जुड़ने का काम तेजी से किया और उसका लाभ भी भाजपा को दिख रहा है। लेकिन समस्या ये है कि भाजपा नेतृत्व लगातार पिछले चुनाव से ही शिवराज सिंह को बदलना चाहती है जी। लेकिन वो अभी उस स्तर पर नहीं पहुंच पाने को पा रही है कि वो इस कड़े फैसले को ले सके, क्योंकि भाजपा में कोई भी नेता ऐसा नहीं है जो शिवराज सिंह चौहान की तरह मध्य प्रदेश में पॉपुलर जी। आपको ध्यान होगा कि एक समय अडवाणी की जब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष थे 2013 में जी। तो वो गोवा के सम्मेलन में यही चाहते थे कि मध्य प्रदेश का जब चुनाव हो जाए और शायद शिवराज सिंह चौहान की वापसी हो जाएगी जी। तब ये तय हो कि प्रचार समिति का, चुनाव समिति का अध्यक्ष मोदी बने या कोई और, क्योंकि दावेदार के तौर पर शिवराज सिंह भी आ सकते थे। तो भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के बीच के जो खींचा तान है ना, मुझे वहां से दिखती है। तो शिवराज सिंह चौहान को केंद्रीय नेतृत्व का उस तरह से समर्थन नहीं प्राप्त है इस चुनाव में, अन्यथा की दशा में वो शिवराज सिंह के पीछे चल करके लड़ाई लड़ते, शिवराज सिंह की जो वो जो चुनावी कैंपेन होता वो ज्यादा धारदार होता। आज शिवराज सिंह को एक बात का जवाब देना पड़ता है मध्य प्रदेश में कि आपकी पार्टी ने आपको नेता नहीं घोषित किया, क्या आप चुनाव जीतने के बाद भी मुख्यमंत्री बन पाएंगे या नहीं, तो शिवराज के पास कोई जवाब नहीं होता है साफ तौर पर। तो ये चीज उनके मनोबल को भी तोड़ती है। तो कांग्रेस और भाजपा नेक टू नेक की फाइट कर रहे हैं जैसा पिछले चुनाव में था जी, जी। लेकिन कांग्रेस को जो नुकसान है हुआ है, अगर आप देखें अगर कुछ हुआ है तो वो कांग्रेस की स्प्लिट की वजह से हुआ जी। माधव सिंधिया साहब ने जो स्प्लिट किया कांग्रेस में, उसने कांग्रेस को जो भिंड मुरैना और ग्वालियर का सेट है उसमें काफी नुकसान पहुंचाया है जी। और इस नुकसान की भरपाई कमलनाथ जी नहीं कर पाएंगे। प्रियंका गांधी
मोर्चा संभाल रही है, लेकिन उन्हें कांग्रेस नेतृत्व का उस तरह से समर्थन उन्हें भी नहीं मिल रहा है। जी। राहुल का फोकस जिस तरीके से हिमाचल पर नहीं था चुनाव के समय, उसी तरीके से यहाँ भी नहीं है। वो लोकसभा के चुनाव पर फोकस कर रहे हैं और इसलिए वो लोकसभा में आने वाले मुद्दों को उठा रहे हैं कि उसका फायदा शायद राज्यसभा राज्यों के चुनाव में मिले। कांग्रेस ये जो जातिगत जनगणना की बार बार दुहाई दे रही है, बात कर ये आ रही है जी। और कह रही है, प्रियंका ने खुद अपनी उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही घोषणा कि अब तक इनके साथ इनकी गणना हो जाएगी तो अब इनको न्याय मिलेगा जी जी। तो क्या वो ये कहना चाह रही है कि अब तक उनके साथ अन्याय हो रहा था जी जी ओबीसी के साथ जी। तो अगर अन्याय हो रहा था तो 55 साल तक कांग्रेस ही थी। काका कालेकर की समिति 1953 में बनी, नेहरू जी ने उसकी 61 में उसका वो रिपोर्ट आई उसे दबा करके ठंडे बस्ते में डाल दिया। फिर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आई उसे ठंडे बस्ते में 10 साल कांग्रेस ने दबाए रखा। तो ओबीसी के साथ अगर अन्याय हो रहा है तो कांग्रेस कर रही थी जी। भाजपा तो नहीं कर रही थी अन्याय। अब न्याय कैसे हो जाएगा, गणना से न्याय कैसे हो जाएगा? और जो कांग्रेस नारे लगा रही है जातिगत ओबीसी की जनगणना के पीछे, वो चुराया हुआ नारा है। जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी है, नारा काशीराम का लगाया हुआ है ये, कांग्रेस ने इसे चुराया काशीराम का नारा। उसके बाद लोमिया लगाते थे, 100 में 60 हमारा है बाकी में बंटवारा है, ये कांग्रेस लगा रही है, ये लोमिया का नारा है। और संसोपा का, संसोपा ने बांधी गांठ पिछले पावे 100 में 60, ये संसोपा संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी 1964 में यह नारा लेकर के आई थी, कांग्रेस पर इसके विरोध में थी। आज तीनों नारे कांग्रेस चुरा करके उसका वो कर रही है। तो कांग्रेस इस बात को जनता के बीच कांग्रेस को समर्थन इसलिए नहीं मिल रहा है ओबीसी जनगणना के मुद्दे पर, क्योंकि लगातार अब देखिए कांग्रेस के ओबीसी के मुख्यमंत्रियों की गिनती कर लीजिए, अब तक कांग्रेस में ओबीसी मुख्यमंत्री कम है भाजपा की अपेक्षा। आज के सांसदों की संख्या कर लीजिए, कांग्रेस के कुल सांसद 53 है और भाजपा के पास ओबीसी के 85 सांसद है। तो कैसे समर्थन तो भाजपा के पास है ओबीसी का, लेकिन कांग्रेस कुछ मुद्दों में भारी पड़ेगी, जैसे ओपीएस है जी। भाजपा को अंततः ओपीएस को समर्थन देना पड़ेगा। इस देश का कर्मचारी उसको मजबूर कर रहा है और ये भाजपा के लिए हिमाचल में नुकसान का सबसे बड़ा कारण बना है। हिमाचल में भाजपा की सरकार दोबारा नहीं आई, इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ ओपीएस है। बिल्कुल आनंद त्रिपाठी जी, आनंद त्रिपाठी जी वापस आएंगे और भी ज्यादा जानकारी आपसे लेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। शिक्षा में ऐसी ताकत होती है जिससे पूरी दुनिया को बदला जा सकता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में जून 2018 में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में ऑपरेशन कायाकल्प की शुरुआत की गई। ऑपरेशन कायाकल्प हेतु बजट में 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान, 1,64,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति, अंतर विभागीय कन्वर्जेंस के माध्यम से 11,000 करोड़ रुपए की राशि से पर्षदीय विद्यालयों की इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती। ऑपरेशन कायाकल्प शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे एक ऐतिहासिक बदलाव का प्रतीक है। कायाकल्प के बाद इन विद्यालयों में विद्यार्थियों की संख्या 1.34 करोड़ से बढ़कर 1.91 करोड़ से अधिक ऑपरेशन कायाकल्प की सफलता को दर्शाती है। उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। त्रिपाठी जी बात पूरी करिए अपनी। तो मैं यही कह रहा था कि कांग्रेस के पास कुछ चीजों की एज है, जैसे वो कह सकती है कि उसने ओपीएस लागू किया जिन राज्यों में वो आई, और ओपीएस लोगों को बहुत तेजी के साथ आकर्षित कर रहा है कर्मचारियों को, क्योंकि भारत में जो 2002-03 में नई पेंशन स्कीम लागू की सरकार ने, जिसे बाद में मनमोहन सिंह का समर्थन मिला 10 साल, वो पेंशन स्कीम लोगों के गले नहीं उतर रही है कर्मचारियों के।
वो मार्केट बेस्ड पेंशन स्कीम में नहीं रहना चाहते हैं। तो ये देश में कर्मचारी, हालांकि बीजेपी ये सोच रही है, कई बार वो कह रही है कि कर्मचारियों की कुल कितनी संख्या है, लेकिन वो संख्या नहीं, कर्मचारियों के साथ उसका परिवार भी होता है, तो वो एक बड़ी संख्या बनती है, बड़ा वोटर समूह बनता है। तो ये कांग्रेस के साथ अगर चले गए तो भाजपा को हर जगह नुकसान होगा, जहां जहां नेक टू नेक फाइट होगी वहां भाजपा और कांग्रेस में कांग्रेस को इसका लाभ मिलेगा। तो उसके बाद आती है एलपीजी की प्राइस। राजस्थान की सरकार ने दिखाया कि वो 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर दे रहे हैं, मजबूर होकर के इनको उज्ज्वला योजना के बीच 500 रुपए कम करने पड़े और लोगों के लिए 300 रुपए कम करने पड़े। तो आप कर रहे हो तो आप इकट्ठा एक साथ चीजों को एक तार्किक स्तर पर क्यों नहीं कर आप कर रहे हैं? आप दूसरे जब आपको मजबूर कर रहे हैं सरकार को, जब दूसरे मजबूर कर रहे हैं और पार्टियां, तब आप लोगों को लाभ देने जा रहे हो। ये बात सही नहीं है। ये सही बात है कि 450 का गैस सिलेंडर 2014 के बाद बढ़कर के 2020 के आते आते आपने सारी सब्सिडी खत्म कर दी, चुपचाप खत्म कर दी, बिना किसी को बताए खत्म कर दी। लोग सोचते थे कि मेरे सब्सिडी अकाउंट में 12 सिलेंडर का 250-300 रुपए आ रहा है, वो भी खत्म हो गया। तो सरकार इस तरह से ठगी नहीं कर सकती है लोगों के साथ। आप उज्ज्वला में निःशुल्क सिलेंडर बांट रहे हैं, इसका तो इतना प्रचार किया आपने, आपने जब सिलेंडर के सब्सिडी खत्म कर दी उसका कोई प्रचार नहीं किया, आप चुपचाप करते चले गए। तो ये चीजें नहीं चलेंगी। लोग समझदार है, धीरे धीरे ही समझ में आता है, बहुत देर से समझ में आता है, लेकिन आता है तो फिर वो फिर समझदारी दिखाते हैं, आपको भी दिखाएंगे। लेकिन ऐसी चीजों के लिए सरकारों को, भाजपा नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को जब ये देखना पड़ेगा, अगर मध्य प्रदेश में, राजस्थान में उसे चुनाव जीतना है, छत्तीसगढ़ की तो उम्मीद भाजपा नेतृत्व भी नहीं कर रही है चुनाव जीतने की, लेकिन मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो चुनाव जीतने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। और अगर कांग्रेस की फ्री विज योजनाएं, चाहे प्रियंका गांधी घोषणा करने में कितनी भी गलतियां कर रही हो, लेकिन लिखा हुआ तो है जी। तो उसकी शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणा करने के तरीके का उपहास उड़ा करके कुछ नहीं ज्यादा हासिल कर पाएंगे। जी बिल्कुल अंकल पाठी जी, आप सीधे मेहमानों का रुख करते हैं। बीरेन जी, अभी आपने त्रिपाठी जी को सुना होगा, उन्होंने कहा कि ये ओपीएस जो मुद्दा है ये बड़ा कोई छोटा मुद्दा नहीं, इसको बीजेपी भी ध्यान नहीं दे रही है। ये ओपीएस मुद्दा कहीं बीजेपी को लेना डूबे अगर आप ध्यान नहीं देंगे। हम तिवारी जी, आप हम हमारे वरिष्ठ बड़े भाई और काफी अनुभवशील हैं, इन्होंने जो कहा निश्चित तौर से बहुत कुछ और सी बातें कही है। देखिए आज देश में हम वैश्विक स्तर पर जब देखते हैं तो सहमति स्थितियां क्या हैं, लेकिन आम जनमानस अपनी महंगाई को निश्चित तौर से प्रभावित होता है। सब तुलनात्मक स्थितियों में नहीं जाना चाहता है, लेकिन हम जब इतना तो कर ही सकते हैं, जब वैश्विक स्तर पर देखते हैं आज तो राजस्थान की कर्ज की क्या स्थिति है ये आपने देखा है जी। आप ये भी आप जानते हैं, ये बात सच है कि आम जनता और ओपीएस के नाते बहुत से, चूंकि एक व्यक्ति के पीछे लगभग न्यूनतम 4-5 लोग सदस्य माना जाता है, माँ बाप बेटे बच्ची पति पत्नी, लेकिन इसकी एक निर्धारित, हम केवल आम जनता को गुमराह कर आज ईमानदारी के नाम पर डिडोरना पीटने वाले अन्ना जी के नाम पर राजनीति को एक नई धार और कट्टर ईमानदार का तमगा लेकर देश में एक नई क्रांति लाने की बात करने वाले केजरीवाल के आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है? वही आम आदमी पार्टी जब शीला दीक्षित को जी भर भर के कोस कर आम जनता के ऊपर ईमानदारी के तपके लगाकर अंजा जी के राहों पर अन्ना जी के राहों को दिखाकर केबिल के कटिया काट कर आम जनता को प्रभावित किया, लेकिन आज देश को एक नई रोशनी देने वाली आम आदमी पार्टी किस हालात में
और कमीशन कैसे तय होता है मोबाइल पर और परसेंटेज क्या होता है, और एक रेस्टोरेंट वाला कैसे कमीशन से सरकार तक का प्रभाव डालने लगता है, ये स्थिति से कट्टर ईमानदार की देख लीजिए। और यही कट्टर ईमानदार ने जाकर पंजाब में उन कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के ऊपर इनके सपनों के राजकुमार, गांधी परिवार के राजकुमार को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या क्या कष्ट सहने पड़ेंगे, अपनी विचारधाराओं से कहां कहां जाना पड़ेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जातकर गजानन की जब बात, लेकिन सौरभ जी कहां ये कहां बोल दिया कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, किसी ने तो बयान नहीं दिया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। ये बयान किसने दे दिया कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है? नहीं, ये गठबंधन हुआ है वो सबके सामने है, लेकिन अभी नाम तो ऐलान नहीं हुआ ना प्रधानमंत्री का भी। नहीं, हम जो वो गांधी परिवार का जी जो कुंवर साहब है उनको ये मान के माना जा रहा है, और स्थितियां जो प्रियंका जी महासचिव बन के आए हैं, अभी हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कर रहे थे कि वो कांग्रेस के अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, स्थितियां आजमाई जा रही हैं कि कैसे और कैसे किन फंडों पे किन मुद्दों पे कैसे कैसे क्या होगा। एन केन प्रकार एन वो गांधी परिवार के कुंवर साहब के लिए वो अपनी बातें कर रहे हैं, अपनी आइडियोलॉजी को भूल गए, जैसा कि माननीय त्रिपाठी जी ने बताया कि ये कहां से कैसे नारे लिए हैं, इनकी आइडियोलॉजी क्या थी, इनकी वैचारिक सोच क्या थी, कांग्रेस की नीति क्या थी। और इनकी जनगणना की बात कर रहे हैं तो इन्होंने जनगणना कराया था, और उन जनगणना को अभी इसके पहले क्यों इन्होंने नहीं किया, इनकी अपनी विचारधारा और कार्यशैली क्या है, ये तो इनको अपना जाना चाहिए ना। आज हर रैली में केवल जनगणना के नाम पर आप जनगणना, हम तो उसको जीवन की शैली में उतारते हैं, और हमें ये गर्व है कि हम आरएसएस आते भी डोगरा जी आते भी से निकल कर आए हैं, जहां पर हम सैद्धांतिक मूलभूत और जीवन के हर आयाम को गणवेश से लेकर दिनचर्या तक जी हमारे हमारे कार्यकर्ताओं में राष्ट्रवाद के साथ नैतिक जमीनी हकीकत को उतारते हैं। हम झूठे वादे नहीं करते हैं, केवल सरकार बनाने के लिए एन केन प्रकार क्रियाकलाप नहीं करते हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं, और हमने वो किया ना। हमारी विचारधारा बदलती है, हमने धारा 370 समाप्त करना था तो 35A के साथ समाप्त किया, समूल समाप्त किया, और हम देश के लिए जो करते हैं वो दिखता है। आज उधर से पाकिस्तान की तरफ से नारे लग रहे हैं कि हमको इंडिया में भारत में जाना है, ये इनकी भूल थी, वो उनके लिए सूल है, लेकिन हम एकता अखंडता और अखंड भारत के तस्वीर को निश्चित तौर से देशवासियों का स्वाभिमान और सम्मान समझते हैं। हमारे गृहमंत्री ने लोकसभा में कहा था हम देश को गुमराह नहीं करना चाहते, स्थितियां बताना बहकाना नहीं चाहते हैं। रिवर फ्रंट आज राजस्थान में गालोद जी खोलते हैं, उसके पहले वहां पे कमीशन बाजी के नाम पर कमीशन खोरी के नाम पर मुद्दे खुल जाते हैं भ्रष्टाचार के। आप छत्तीसगढ़ की बात देख लीजिए, वहां पर कैसी क्या स्थितियां है, राजस्थान में एक नाबालिग के साथ बलात्कार होता है और सरेआम हिंदू की जनता के गले काट दिए जाते हैं, उन्हें एक आवाज गूंज रही है, लोग प्रताड़ित करते हैं, धन विशेष को लोगों को एक मुफ्त आपको। चलिए आते हैं भी वीरन जी, आते हैं भी वीरन जी, जवाब लेते हैं डोगरा जी। अभी आपने सुना होगा सौरभ जी को कह रहे हैं कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए क्या न कर डाले। ये तो इनको अब समझ आ गई है जी कि राहुल जी ने, क्योंकि जब से महागठबंधन बना है उन्होंने कहा कि महागठबंधन जो फैसला लेगा वही तय होगा, लेकिन आपने अभी देखा होगा संदीप जी के जी मिश्रा जी की बातों से भी और जितने भी इनके नेता हैं सभी की बातों से भी झलक रहा है कि ये राहुल जी से भी डरते हैं। बार बार इनको एक ही नाम सताता है, रात को भी सोते भी उठते भी राहुल गांधी राहुल गांधी। अच्छा लगता होगा ना, राहुल नाम अच्छा लगता होगा, ये भी हो सकता है। हाँ ये भी हो सकता है कि इनको जरूरी की डर हो, अच्छा भी हो सकता है, क्योंकि वो प्यार की दुकान खोलने का जो मोहब्बत की दुकान खोल रखे हैं तो खोली भी है, बीजेपी वालों को भी अच्छा लग रहा है, मोहब्बत की दुकान खोली भी है तो इनको भी हो सकता है मोहब्बत होगी। लेकिन एक बात ये पक्की है कि राहुल जी कभी देश के विरोध में नहीं बोलते,
मैं मुझे दो तीन बातें ये करनी है कि जी ये जो इलेक्शन है, ये चुनाव एक बड़ी अच्छे तरह से एक नया मैंडेट देने की मूड में है ये देश और ये पांचों राज्य। देखिए डोगरा जी, थोड़ा सा रोकेंगे, डोगरा जी थोड़ा सा रोकेंगे, फिर जवाब देना आप। अभी आपने त्रिपाठी जी को सुना होगा, जो आप जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ओबीसी का शोषण हुआ है, ओबीसी के लिए हम ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं, लंबे समय तक सरकार कांग्रेस की थी, क्यों नहीं किया कुछ? अभी आपने सुना होगा शायद त्रिपाठी जी को। मैं उसी पे आ रहा था। जी 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 त्रिपाठी साहब ने दो तीन एपिसोड इसमें गिनाए, चाहे वो 1953 का गिनाया, फिर कहा कि 61 में राहुल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया। जी फिर मंडल कमीशन की बात आई, मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू नहीं किया, 10 साल उनको दबाए रखा। एक बात ये कह दूं कि जब देश आजाद हुआ, आजाद होने के बाद से लेके 55 साल, ठीक है अनंत त्रिपाठी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि 55 साल हमने राज किया, लेकिन हमने 55 साल जब राज किया तो उस समय इस देश में एक सुई तक नहीं बनती, और देश के लोगों का जो हाल था वहां से लेके आज दिन तक यहां पहुंचाना, और यहां पहुंचा के लोग ये कहें कि पिछले लोगों ने 70 साल में क्या किया, तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कुछ ना कुछ तो किसी ने किया ही। देखिए देश के लोगों, डोगरा जी आप शायद सुने नहीं, ये उन्होंने ये नहीं कहा कि कुछ नहीं किया, ऐसा नहीं कहा त्रिपाठी ने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि त्रिपाठी साहब ने कहा कि कुछ नहीं कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इसी, उन्होंने आंकड़ा बिल्कुल सही बताया, लेकिन क्या ये जो जनगणना है, जनगणना इस देश में हर साल हर 10 साल बाद नहीं होती है, और जब जनगणना की बात आई उस जनगणना में ओबीसी को पर्टिकुलर एक मुद्दा नहीं है, जनगणना में तो हर जाति विशेष, हर समुदाय विशेष, हर वर्ग की उसका शिक्षा का स्तर कितना है, कितने शिक्षित हैं, कितने शिक्षित हैं, कितने महिलाएं, ये तो जेंडर बेस्ड सेंसस है, और जनगणना में ये सारी चीजें आती हैं। जी अब इससे भारतीय जनता पार्टी क्यों घबरा रही है? पिछले दिनों तेलंगाना में जिस तरह से देश के माननीय प्रधानमंत्री कह रहे थे जी कि हम ओबीसी को बहुत आगे लेके गए हैं, वो राजनीति नहीं, राहुल जी कह रहे हैं वो राजनीति। एक बात ये पक्की है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अब डर तो सताने लगा है, और ओल्ड पेंशन स्कीम, इस देश में जब देश आजाद हुआ उस समय हमारे कितने संसाधन थे जी, हमारे प्रति व्यक्ति आय कितनी थी, अगर इस देश के लोगों के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति ने ये सोचा कि जो लोग सुबह से लेकर शाम तक इस देश की तरक्की में अपना योगदान देते हैं, वो लोग जब 30, 40, 45 वर्ष नौकरी करने के बाद घर जाएंगे तो क्या वो अपने बच्चों के मुंह की तरफ देखेंगे? ये उनको एक जीवन की एक आगे उनको किसी की तरफ हाथ न फैलाना पड़े, उसके लिए उन्होंने एक नए तौर तरीके से ये पेंशन लागू की जी। अब उस पेंशन पे भी ठीकरा कांग्रेस पे फोड़ा जाता है, और ठीकरा कांग्रेस पे इसलिए फोड़ा जाता है कि आनंद त्रिपाठी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उज्ज्वला योजना के प्रचार प्रसार में अरबों रुपए खर्च कर दिया इन लोगों ने, लेकिन उन लोगों को जिन लोगों को इन्होंने सिलेंडर दिए, एक सबसे बड़ा घोटाला मैं ये कह सकता हूँ इस देश में उज्ज्वला के नाम पे जो घोटाला हुआ है, ऐसे ऐसे लोगों को ये उज्ज्वला के नाम पे जो फ्री सिलेंडर इन्होंने बांटे हैं, इन्होंने अपने लोगों को जिनके पास दो दो चार चार गाड़ियां भी है उनको भी उज्ज्वला के नाम से इन्होंने सिलेंडर बांटे, और उसके बाद उनके पास सिलेंडर, जो गरीब महिलाएं थी उनके पास सिलेंडर लेने के लिए पैसे नहीं थे, और सिलेंडर की सब्सिडी जिस तरह से पिछले 9.5 साल में 423 रुपए से लेके 1200 रुपए तक सिलेंडर जाता है और सब्सिडी गौण हो जाती है, उसका प्रचार प्रसार कह देते कि हमने सब्सिडी बंद कर दी, हम भी उसका स्वागत करते कि बहुत अच्छा किया आपने कि सब्सिडी बंद कर जी, जी। और जब अब राज्य पांच राज्यों के चुनाव आए तो 200 रुपया कम कर दिया, उज्ज्वला योजना में 300 रुपए का सिलेंडर कम कर दिया, ये कौन, ये क्या राजनीति नहीं है? लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये समझ आ गया है, क्या भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता हम नहीं दिखाएंगे, कांग्रेस नहीं दिखाएगी, ये लोग दिखाएंगे इस देश के लोग। सही कहा आपने मिश्रा जी, मिश्रा जी आपको लगता है कि राहुल गांधी जो बोलते हैं राजनीति है, बीजेपी जो करती राजनीति नहीं है वो? अभी आपने डोगरा जी को सुना होगा, सिलेंडर में 200 रुपए चुनाव से पहले कम कर दिए, उज्ज्वला योजना के तहत जो सिलेंडर आते हैं 300 रुपए कम कर दिए, ये भी तो चुनावी दांव है ना आपका? जब आपने उज्ज्वला योजना दी थी तब आप खूब प्रचार कर रहे थे,
जब सब्सिडी हटाई तब नाम भी नहीं लिया, चुपचाप सब्सिडी गायब, खाते में पैसा आना बंद, तब क्यों नहीं बताया लोगों को? देखिए जी संदीप जी, आज जैसे हम यहाँ बैठकर डिबेट के दौरान जी निश्चित तौर से तथ्यात्मक रूप से जब हम उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार से राजनीतिक दल लोक लुभावन नारे करते हैं कोई अछूता नहीं होता, कुछ ज्यादा कुछ लोग हैं जो अपने समावेशी स्थिति को देखते हुए प्रदेश की और देश की स्थितियों को, माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा, खुद ही अपने बयानों में कहा है कि जो रेवड़ियों के नाम पर जो वादे किए जाते हैं वो तथ्यात्मक तौर से उनको जमीनी जमीन पर उतारना चाहिए जी। लेकिन होता क्या है, ये बात आपकी सच है कि माननीय शिवराज जी ने कोई चुनावी दौरान नहीं किए, कुछ आकार हो सकते हैं, कुछ एक मुद्दे जिन पर हमने कहा जी। वो चाहे वो आते डोगरा जी महिलाओं को रुपया मिल रहा हो या जला योजना मिल रहा है, ये हमारी एक अपनी रूपरेखा है, हमारी एक सोच है। लेकिन आज जब हम दिल्ली में बहुत सारी घोषणाएं हुई थी और शिक्षा को एक मॉडल माना जाता था, और इसी कांग्रेस, मैंने इस बात को अपने इसके प्रथम डिबेट में कहा था इसके पहले वाली कि प्रधानमंत्री के रूप में राहुल गांधी को देखना चाहते हैं। कुल मिलाकर जो आज प्रधान अध्यक्ष घोषित किए जाते हैं, फिर उनसे त्याग पत्र देते हैं, फिर वो प्यार बांटने की दुकान की बात करते हैं, ये सब ये बांटते तो है लेकिन ये प्यार बांटने में संभवतः ये भूल जाते हैं कि आम जमीनी हकीकत, और हमको ये कहने में कोई हिचक नहीं है कि अगर देश हित में नहीं है और आम किसान समझ नहीं पा रहा है आज नहीं तो कल, हमें वापस करने में भी कोई हिचक नहीं होती। प्रधानमंत्री जी ने बेहिचक लिया, लेकिन बहुत सारी बातों को जो स्थितियां ये कांग्रेस पैदा करती हैं और कहती हैं चुनाव जीतने के लिए, आज इनकी तेलंगाना में क्या स्थिति है आपसे बेहतर संदीप जी कोई नहीं जानता है। छत्तीसगढ़ में इनकी स्थिति है, आज ये पांचों स्टेट में सत्ता में आ रहे हैं और इनके सत्ता में आने का बदलाव इनके ही दल के वरिष्ठ और मुख्यमंत्री पद के दावेदार ही इनकी टांग खींच रहे हैं। चलिए मिश्रा जी आएंगे भी, मिश्रा जी आएंगे भी, डोगरा जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी मिश्रा जी कह रहे थे कि ये जो हम लोग घोषणाएं करते हैं ये धरातल पे नहीं उतरते और कांग्रेस नहीं उतारती उनको कभी धरातल पे, सिर्फ बोलती है घोषणाएं करती है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी की घोषणा क्या है, 15 लाख की, अब तो दे दो, 10 साल हो गए, अब 15 लाख रुपए स्विट्जरलैंड से लाके वो जो स्विस बैंक में पैसा है उसको निकाल के अब तो दे दो। एक गरीब आदमी का बैंक नोटिस दे दे के उसकी बस करवा देता है और एक उस व्यक्ति का एनपीए वापस हो जाता है 5,500 करोड़ रुपए का, जिस व्यक्ति ने इस देश के लोगों को लूटा उस व्यक्ति का एनपीए का पैसा सरकार माफ कर देती है। और अगर किसी गरीब व्यक्ति ने अगर बैंक से लोन लिया हो, 50,000 रुपए अगर लोन लिया हो, तो बैंक वाले उसके घर के दरवाजे पे बाहर नोटिस चिपका चिपका के उसको आत्महत्या करने पर मजबूर कर देते। इस तरह का शासन चाहिए, ऐसा कुशासन नहीं चाहिए अब लोगों को। कांग्रेस इसका विरोध करती है जी। और कांग्रेस ये कहना चाहती है कि इस तरह का ये जो दोहरा मापदंड भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल से अपनाया हुआ इस देश में, जिसको कांग्रेस स्वीकार नहीं करती। अब कांग्रेस जब देश हित की बात करती है तो इनको लगता है कि ये तो राजनीति कर रहे, और ये स्वयं जो अगर कोई मुद्दा कोई महंगाई पे बात करेगा तो ये कहीं और की बात करेंगे। अगर हम बेरोजगारी की बात करेंगे तो ये आंकड़े लेके आएंगे कि पिछले 10 सालों के आंकड़े देख लीजिए, हम हर साल इतनी नौकरियां देते हैं। लेकिन उसका श्वेत पत्र आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार इस देश के लोगों को नहीं बता सकी कि हमने कितनी नौकरियां दी, जबकि पिछले 5 सालों में, और ये खास करके ये जो कोरोना काल था, कोरोना काल में इस देश में लगभग 20 लाख के करीब बेरोजगार युवा अपने घर बैठ गए। चलिए डोगरा जी आएंगे, डोगरा जी वक्त की कमी है, हमारे साथ आनंद त्रिपाठी जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी,
जिस प्रकार से देखा जाए, आपने मध्य प्रदेश की विवेचना की थी अच्छे तरीके से, बिल्कुल शिवराज सिंह चौहान के क्या वहाँ पर क्या चल रहा है इस समय, लेकिन छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ में कोई सीएम फेज को लेकर अगर देखा जाए तो अभी भी कोई जिक्र बीजेपी की तरफ से किया नहीं गया है और वो धार भी नहीं दिख रही छत्तीसगढ़ में। चुनाव नज़दीक आ गया है आपको भी पता है, लेकिन वो धार नहीं दिख रही छत्तीसगढ़ में अभी बीजेपी की तरफ से। क्या छत्तीसगढ़ में जो जीत की एक लहर थी कि छत्तीसगढ़ सरकार बनाएंगे बीजेपी वाले कह रहे थे, क्या उसको लेके निश्चिंत हो गए बीजेपी वाले की धार दिख नहीं रही है? और ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी भी घिर रही है वहां पर। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को स्वयं में ये भरोसा नहीं है कि छत्तीसगढ़ में वो मजबूती के साथ चुनाव लड़ पाएंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बीजेपी का जो राज्य का नेटवर्क है वो बहुत एक्टिवली रहा पिछले 5 सालों में। भूपेश बघेल को एकदम खुला मैदान दे दिया भाजपा ने और रमन सिंह इनएक्टिव थे और वो उस तरह से राजनीति करने वाले व्यक्ति भी नहीं माने जाते रहे लगातार अपने मुख्यमंत्री के 12-13 सालों का जो उनका कार्यकाल रहा वो भी उसमें बहुत पैसिव राजनीतिज्ञ माने जाते थे। इसलिए भाजपा को आज वहाँ केंद्रीय नेतृत्व और राज्य नेतृत्व दोनों से ऐसा लगता है कि वो हो सकता है कि 2018 के मुकाबले कुछ सीटें ज्यादा जीत ले, वो भी केंद्र के प्रदर्शन के बल पर। नहीं तो छत्तीसगढ़ में भाजपा नेतृत्व या भाजपा का जो पूरा वो है वो ऐसा नजर नहीं आ रहा है जिसकी स्थिति हो। हाँ, तेलंगाना की बात करें तो तेलंगाना में भाजपा नेतृत्व ने संजय बांदी को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा करके अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी। संजय बांदी वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरे तेलंगाना को मत दिया और तेलंगाना के युवाओं में ये एहसास जगाया था कि भारत राष्ट्र समिति की सरकार को उखाड़ करके फेंका जा सकता है, लेकिन पता नहीं किस राजनीतिक दबाव में संजय बांदी को प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया गया और रेड्डी साहब को वापस प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। निश्चित तौर से संजय कुमार बांदी ने तेलंगाना के लगभग हर कस्बे की पैदल यात्रा कर ली थी और उन्होंने एक युवाओं का जबरदस्त संगठन खड़ा किया था जो उनको प्रदेश सरकार के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटा देने से भाजपा को बहुत जबरदस्त धक्का लगा और उसके बाद की स्थिति ये है कि जो भाजपा दूसरे नंबर की लड़ाई लड़ रही थी अब वो निश्चित तौर पर वहां नहीं खड़ी है। ये भाजपा नेतृत्व ने ये गलती तमिलनाडु में नहीं की, अन्नामलाई को नहीं हटाया प्रदेश अध्यक्ष पद से और अन्नामलाई वही काम कर रहे हैं जो संजय कुमार बांदी तेलंगाना में कर रहे थे, लेकिन पता नहीं किस राजनीतिक दबाव में। ये तो छत्तीसगढ़ में और तेलंगाना में भाजपा नेतृत्व ये मान रहा है कि उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। मिजोरम में भाजपा नेतृत्व फाइट करने की स्थिति कोशिश प्रयास में लगा हुआ है, रिजिजू को वहां बनाया गया है। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, अभी डोगरा साहब कह रहे थे कि हम वहां से चले जब भारत में सूरी तक नहीं बनती थी, डोगरा साहब ये गलत धारणा है। आपको वक्त की कमी है, आप चर्चा में जुड़े आपका धन्यवाद। साथ ही विजय डोगरा जी कांग्रेस जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। वीरेंद्र मिश्रा सौरभ जी बीजेपी जुड़े थे, आपका भी धन्यवाद। राजधर्म में मेरे साथ इतना ही, आप देखते रहिए एनवी न्यूज़। नमस्कार।